तो अगर आप YouTube पर रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हो और आपको रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा, तो हो सकता है आपका YouTube चैनल डेड हो गया। तो अगर आपका YouTube चैनल डेड हो चुका है तो आप कितने भी वीडियोस अपलोड कर लेना, जब तक वो ठीक नहीं होगा तो आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप डेड चैनल को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, और उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका चैनल डेड क्यों होता है और आप अपने यूट्यूब चैनल को डेड होने से किस तरीके से बचा सकते हो, अब आपको पता चल जाएगा। बाय द वे डेड नहीं डेड। बाय द वे आप में से काफी पर्सन कमेंट करते हैं कि जुन्नू भाई हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, व्यूज नहीं आ रहे, थंबनेल भी अच्छे बना रहे, ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा आ रहा है। तो अगर आपका CTR बिल्कुल सही रहता है फिर भी आपको व्यूज नहीं मिलते, तो आज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहां पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि आपका चैनल डेड क्यों होता है। मैं आपको दो रीजन बताता हूं और यही दो रीजन होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज आपने कोई शॉप ओपन कर ली, वो किसी भी चीज की शॉप है, और आपने शॉप को ओपन करने के बाद ओपनिंग वगैरह कर दी, लड्डू वगैरह बांट दी, तो कुछ टाइम के बाद आपके पास कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे, आप उनको सामान बेचना शुरू कर दोगे। सपोज आपके पास हर रोज 50 कस्टमर्स आते हैं और 50 कस्टमर्स बहुत बड़ी बात होती है, तो आपकी शॉप अच्छी चल जाती है, आपने जितना भी पैसा लगाया वो आपका रिकवर हो जाता है। तो अब आते हैं यूट्यूब पर। अगर आपने कोई स्मार्टफोन ले लिया यूट्यूब के लिए और आपने अपने घर वालों से बोलकर रिंग लाइट वगैरह भी ले लिया, खर्चा कर दिया, तो उसके बाद आपको 40 से 50 व्यूज मिलते हैं या 100 व्यूज आपको मिल जाते हैं, तो 100 व्यूज आपके कस्टमर हुए, आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप उनको क्या दे रहे हो? कंटेंट। तो ऐसा मान लेते हैं कि आपकी हर वीडियो पर 50 व्यूज आ जाते हैं, तो अब वापस से उसी शॉप पर चलते हैं। आपकी शॉप अच्छी चल रही है, आपके पास 50 कस्टमर्स हर रोज आ रहे हैं और आप सडनली शॉप को बंद कर देते हो, आपका मन नहीं करता है, तो वो कस्टमर आपके पास आएंगे लेकिन आपकी जो शॉप है वो तो बंद हो चुकी है, तो जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपके पास आएंगे। इसी तरीके से यूट्यूब चैनल को समझो, तो आपके जो व्यूवर्स हैं वो आपके चैनल को सर्च करके देखेंगे, लेकिन जब वीडियोज ही नहीं जाएंगे तो क्यों आएंगे फिर? कुछ टाइम तक तो आ जाएंगे लेकिन उसके बाद आना ही बंद कर देंगे, आपको भूल जाएंगे। तो अगर आप कुछ महीनों के बाद अपनी शॉप को ओपन करोगे तो वही कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे, अब आपको नए कस्टमर बनाने पड़ेंगे। अब जो नए कस्टमर होंगे वो आपके पुराने कस्टमर को बता देंगे कि उसकी शॉप ओपन हो गई। कुछ इसी तरीके से चैनल को समझो, जब आप कंटेंट अच्छा दोगे तो आपके पास नए व्यूअर्स आएंगे, तो जब आपके पास नए व्यूअर्स आएंगे तो नए वाले पुराने वाले को भी बता सकते हैं। बाय द वे एग्जांपल काफी सही था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, इररेगुलर हो जाओगे तो आपके व्यूअर्स भाग जाएंगे। तो अब मैं आपको सेकंड रीजन बताता हूं कि आपका चैनल डेड क्यों होता है। आप में से काफी पर्सन रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, उसके बाद आपके कुछ दोस्त या फिर आपके कुछ सब्सक्राइबर खुद के मजे के चक्कर में आपको लटका देते हैं, आपको बोलेंगे कि यार ये वाली वेबसाइट इतने सब्सक्राइबर्स फ्री में दे रही है, तो अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट से सब्सक्राइबर्स ले लोगे तो उसके बाद यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ जाता है कि ये बंदा जरूर कुछ कांड कर रहा है, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम की नजर में आते ही आपका चैनल डेड कर दिया जाता है। बाय द वे यूट्यूब डेड नहीं करता है, वो खुद ही हो जाता है जब आप इल्लीगल तरीके से वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करोगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने आपको जो भी बताया। तो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर लिए किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट से, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, इससे आपका डेड चैनल भी ग्रो हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि आप किस तरीके से पता कर सकते हो कि आपका चैनल डेड है या नहीं। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं, अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है और आपकी वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो समझो आपका चैनल डेड हो चुका है फर्स्ट। तो अब वापस से उसी शॉप की ओर चलते हैं। तो जब आप वापस से अपनी शॉप को ओपन करोगे तो आपके पास नए कस्टमर्स आएंगे, अगर यूट्यूब चैनल को देखें तो आपके पास नए व्यूअर्स आएंगे, तो जब नए व्यूअर्स आएंगे वो आपके पुराने कस्टमर्स को बता देंगे, जो आपके नए कस्टमर्स हुए वो आपके नए व्यूअर्स हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सही तरीके से। तो आपको रेगुलर कर देना है, जब आप रेगुलर कर दोगे तो आपको रिजल्ट 15 दिनों में नहीं मिलेगा। जब आपने शॉप ओपन की थी तो आपको 50 कस्टमर्स एक दिन में मिल गए थे क्या? नहीं मिले थे ना, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कंटेंट सही देना पड़ता है। इसी तरीके से जब आप कोई शॉप ओपन करते हो तो आपको सामान अच्छा देना पड़ता है, कम पैसों में देना पड़ता है। यूट्यूब पर तो कोई पैसा भी नहीं लेता आप किसी से, बस आपको अपना कंटेंट इंप्रूव कर लेना है तो लोग आपसे खुद जुड़ जाएंगे। तो अब आप एक काम करो, 90 डेज के लिए कंसिस्टेंट हो जाओ, 90 डेज तक आपको रुकना नहीं है, आपके पास नए व्यूअर्स आ जाएंगे, जो पुराने वाले थे वो भी कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके चैनल पर ही आ जाएंगे। तो अभी आप एक नोटबुक लेकर आओ, नोटबुक पर लिख लो कि इतने दिन में मेरे को इतने वीडियोस अपलोड करने हैं, एक दिन में एक वीडियो या दो वीडियो, या फिर हफ्ते में आपको 3 वीडियो अपलोड करने हैं, जितने भी करने हैं आपको नोट कर लेना है और उसके बाद उसी तरीके से काम करना है। भाई आप 90 डेज तक काम करके तो देखो। अब आप में से काफी पर्सन 90 डेज तक काम तो कर लेंगे बट अपने कॉन्टेंट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो साथ के साथ अपने कॉन्टेंट को भी इम्प्रूव
इंप्रूव करने हैं तो आपका चैनल डेड चैनल ग्रो हो सकता है। हाँ तो गाइस, आप में से काफी पर्सन तो ऐसे हैं जो अपने चैनल पर कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रहते, उनको लगता है कि यार इस कैटेगरी में तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। आप मेरे को एक बार बताओ, जहां पे कॉम्पिटिशन नहीं है वहां पे ग्रो करके क्या करोगे? जहां पर कॉम्पिटिशन है वहां से ऊपर उठकर देखो, तभी तो लोग आपको जानेंगे, तभी तो आपके पास ऑडियंस आएगी। तो आपको कंटेंट अच्छा करना है तभी आपके पास ऑडियंस आएगी। और अगर आप कंपटीशन को देखकर अभी पीछे हट जाओगे तो बाद में आप पता है क्या सोचोगे, काश मैं अब कर लिया होता। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अब आप में से काफी पर्सन फुल डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, हर रोज वीडियोस अपलोड करेंगे, लेकिन अपने कंटेंट को इंप्रूव नहीं करेंगे। कंटेंट को इंप्रूव कैसे किया जाता है? देखो भाई, मैं आपको बताता हूं। सपोज आपने YouTube पर 50 वीडियोस बना दिए, तो 50 वीडियोस में से जिन वीडियोस पे आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उसी टाइप के वीडियोस बनाओ और उन वीडियोस से अलग बनाओ। बस आपको वीडियो बनाने से पहले एक बार सोच लेनी है कि जो आप बना रहे हो ये वैल्यूएबल है या नहीं, सामने वाले बंदे को कुछ सीखने के लिए मिलेगा या नहीं। और अगर आपका किसी और कैटेगरी का चैनल है तो आप सोच ले करो उसी को लेकर। सपोज आपका रोस्ट का चैनल है तो आप रोस्ट इस तरीके से करो, जो व्यूअर आपका वीडियो देख रहा है उसके चेहरे पे हंसी आ जाए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से डेड चैनल को ग्रो किया जाता है। तो अब आप में से काफी पर्सन कमेंट करेंगे कि भाई आपका क्या सजेशन है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके 400-500 सब्सक्राइबर्स हैं या 1-2000 सब्सक्राइबर्स हैं और आपका चैनल डेड हो गया, आपने एक साल पहले वीडियोस बनाने छोड़ दिए थे, या फिर आपको काफी महीने हो चुके हैं और आपने वीडियोस बनाने छोड़ रखे हैं, तो आप उस चैनल को छोड़ दीजिए, आप नया चैनल बनाओ और उस पर डेडिकेशन के साथ काम करो। और आपको शुरू से लेकर चलना है, अपने थंबनेल अच्छे रखने हैं, वीडियो का क्वालिटी अच्छा रखना है। और अगर आपके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, 1 या 2 लाखों रखे हैं, तो शायद आप अपने चैनल को नहीं छोड़ पाओगे। लिटरली गाइस, जब मेरे 100K सब्सक्राइबर्स थे, 1 लाख सब्सक्राइबर्स और व्यूज मेरे आते थे 1K, 2K, 6K तक आ जाते थे, बस किसी किसी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ जाते थे। उस टाइम मेरा भी यही मन कर रहा था कि यार अब तो चैनल को छोड़ देना चाहिए, बट मैंने अपने कंटेंट को इंप्रूव किया, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव किया, सब कुछ इंप्रूव कर लिया, उसके बाद व्यूज आने शुरू हो गए थे। हमारे जो ओल्ड व्यूअर्स होते हैं वो तो भाग जाते हैं, बट फिर हमें न्यू लेकर आने पड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से किया जाता है डेड चैनल को ग्रो। तो अगर आपकी वीडियोस पर 0 व्यूज आते हैं, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा, वीडियो पर क्लिक करो, बस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।